सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपकी मुलाकात बॉलीवुड के जाने माने अदाकार अश्विन कौशल जी से हम करवा रहे हैं अश्विन जी हमें ये बताइए कि बॉलीवुड के बदलते हालात पर आपके क्या है ख्याल वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है और बॉलीवुड भी बदल गया। तो और परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है जो लॉर्ड कृष्णा ने बात कही है और वो सब जानते हैं टेक्नोलॉजी बदल गई कैमरा बदल गया फिल्म मेकिंग बदल गई एक्टर बदल गए बदलना पड़ता है और बहुत और जो और परिवर्तन जो होता है और बदलाव जो है वो अच्छे के लिए इसलिए हम वेस्ट के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं इसलिए हम आइडियोलॉजिकली हम हमें गोरों में पहचाना वरना गोरे तो हमें देखते ही नहीं थे थैंक यू वेरी मच टू टू जूनियर एन टी आर आई लव यू भैया आप लोग ने तो हमें स्टार बना दिया वरना गोरों को हमारी कहाँ पहचान थी तो वक्त के साथ हम सही बदले हैं और बॉलीवुड भी बदला है अब खान साहब शुक्राना की पठान से रिवाइव की हमारी इंडस्ट्री फिर मेरी फिल्म भी आपने देखी होगी जवान जिसमें मैंने वन ऑफ द कैरेक्टर रोल्स किया मिनिस्टर का खड़े खड़े कोई मेरे सीने में गोली भी मार देना तो मुझे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं पास के सरकारी में ले जाना मैं वहाँ पर बचा और विजय के जीजा जी का रोल था तो जवान एटली सर अनदर जीनियस डायरेक्टर उनके साथ काम करने का मौका मिला और वो भी सुपरहिट तो बदलाव है टेक्निकली फिल्म मेकिंग कैरेक्टर वाइज और ये अच्छा नहीं? अगर यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली मेरे सीने में मारो मुझे। मारो अश्विन जी एक सवाल यह है कि टीवी स्क्रीन और सिल्वर स्क्रीन दोनों के काम करने का ढंग बिल्कुल अलग अलग है आप किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं बाप बाप होता है बेटा बेटा बड़ी स्क्रीन का इम्पैक्ट ही कुछ और होता है वहाँ से फनकार पैदा होते हैं लीजेंड होते हैं और टीवी स्क्रीन पर जो है आप नेट प्रैक्टिस करते हैं टीवी में पैसा बहुत है आज की दौर में रोज़ाना जैसे फैक्ट्री होती है उनकी अपनी एक शख्सियत होती है लेकिन आप फिल्म से कंपेयर ही नहीं कर सकते ये बेतुकी बात होगी कि आप ताजमहल को अपना किसी कोठी या कंपेयर किसी बंगले से आप जो है आप उसे जोड़ रहे हैं। कर रहे हैं। जोड़ रहे हैं आप लेकिन एक मेरा जो सवाल था अश्विन जी वो ये कि आपने टीवी के लिए भी काफी काम किया हाँ मैं अभी टू की दंगल चैनल पर नहीं, मेरा जो सवाल था वो ये कि देखिए आप टीवी पे भी लगातार आप काम करते रहते हैं और फिल्म जब जब मिली वो भी कर पाते हैं तो अहमियत जो देने वाली बात मैंने कही है वो ये कि आर्टिस्ट को जो मिल गया वो ही करता है लेकिन एक आपका टारगेट होता है एक एम होता है कि भाई मैं ये अचीव करूँगा इसमें ये रोल करूँगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा तो उस माध्यम से उस लिहाज से मैंने ये सवाल किया था फिल्म बट किंग, किंग होता है हमेशा एक लेकिन आजकल वैसे रोल्स लिखे नहीं जाते उम्मीद पर दुनिया कायम है लेकिन फिल्म का इम्पैक्ट ही कुछ और होता है फिल्म ही सब कुछ है रही बात टेलीविजन की टीवी में पैसा बहुत है फाइनेंशियली अपने आप को अगर स्ट्रॉग करना अगर आपका एक शो चल गया एक साल तो आप बहुत फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ हो दो साल चल गया लोगों ने महल खड़े कर दिए हैं कपूर के जितने शोज हैं जी पे वो तीन तीन चार चार साल चलते हैं तो टीवी में पैसा बहुत है और और आ, आप पब्लिसिटी भी बहुत है क्योंकि आप हर घर के प्रोडक्ट बन जाते हो लेकिन फिल्म जो है उसमें जो है वो उसमें आदमी सुपरस्टार बनता है एक और वैसा रोल मिल जाए तो पंकज त्रिवाठी जैसे बन जाता है वो भी टीवी से ही आए तो आपकी नेट प्रैक्टिस जो है टी वी में होती है नि निखार जो है वो फिल्मों में होता है लेकिन एक चीज़ है अश्विन जी जिस तरह आप बताते हैं कि भाई फिल्म फिल्म होती है यस yes. लेकिन फिल्म का जो मेकिंग स्टाइल अभी तब्दील हो गया है स्टोरी में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं जिस तरह आपके पिता श्री खुद इतनी बेहतरीन फिल्में लिखे हैं उन फिल्मों को जब देखते हैं आप आज जो फिल्में बन रही हैं जब वो जो स्टोरी लाइन लिखी जा रही है उस पर आपको कितना अफसोस होता है या फिर क्या आपके जहन में क्या विचार आते हैं वही जो ग्रेट सुभाष गई कह रहे हैं सबके सब कह रहे हैं द ग्रेट शेखर कपूर में कंटेंट इज़ द किंग आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने कंटेंट पर ज़्यादा हावी हो होगी मेरे वालिद के ज़माने में या नाइन्टीज़ में हम भी देखते थे पहले कॉन्टेंट पर कहानी पर ज़्यादा तोज्जू दिया जाता था आजकल जो है टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और पे ज़्यादा तोज्जो दिया जाता है और जो लिखावट है वो बहुत ही मिनिमाइज हो गई है लोगों ने सलीम साहब का उस दिन इंटरव्यू पढ़ रहा था बहुत सही बात बोली उन्होंने सलीम खान साहब कि लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया है आप जितना पढ़ोगे ना उतना ज्ञान होगा स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत कम पढ़ते हैं ये तो हर चीज़ जो है आज के तौर पे हमारी फिल्म मेकिंग जो है Uh, वो ऐसे हो गया है जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो पहले पैशन होता था एक अलग तरीके से फिल्म बनती थी आजकल जो है वो बिजनेस हो गया है टाई लग गई है उसे वो एक प्रोडक्ट हो गया है फिल्म बनने से पहले सोचते हैं कि इसे बेचेंगे कैसे कौन सा स्टूडियो खरीदेगा इसका सेटअप क्या होगा ये कितने में बिक सकती है कितने में ये सारा रेशियो निकालने के बाद आर्टिस्ट साइन होता है फिर कहानी बनी जाती है ये सारा उल्टा हो गया अभी बिज़नेस मैकेनिक बिजनेस वर्क ज़्यादा हो गया पहले फिल्म मेकिंग होती थी आजकल प्रोडक्ट मेकिंग है <laughs> मैं जहाँ तक कि मैं समझता हूँ और उस प्रोडक्ट मेकिंग में कितने प्रोडक्ट उसमें हम कितने लोग जो हैं वो बह भी जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सबके लिए जस्टिफाई नहीं होता इसलिए बड़े बड़े आर्टिस्ट जितने हैं उनको काम मिलना बंद हो गया है कितने आर्टिस्ट भूखमरी से मर रहे हैं थैंक गॉड टू टेलीविज़न ये टेक्नोलॉजी जो बढ़ गया है तो टीवी की वजह से ये सोशल मीडिया की वजह से उनकी आवाज़ सुनाई देती है कि वो जिंदा हैं उनको काम की ज़रूरत है थैंक्स टू वेब सीरीज़ जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं आज की तारीख में वहाँ से स्टार बन के बाहर आ रहे हैं ये कोविड का जो पीरियड था ये अल्लाह ताला ने एक थपेड़े मारी थी दुनिया को सीखने इंडस्ट्री में भी हमें सीख मिली तो बीच में अब चीज आ गई है अब आ गया है फिल्म या तो आप बहुत बड़ी फिल्में की बात की हजार करोड़ रुपए की फिल्मों और उसके बाद छोटे पैमाने पे आ गया है वेब सीरीज जो ना फिल्म फिल्म और टीवी सीरियल के बीच की होती है और फिर आ गया है टीवी फिर आ गया शॉर्ट फिल्म तो रेंज कितना है आजकल हर आर्टिस्ट को काम है सबको काम मिलता है नहीं लेकिन एक बात है अश्विन जी एक दौर था जिसमें टी वी सीरियल्स की बड़ी मांग लेकिन आजकल शायक इसको भूल बैठे हैं ऐसा क्यों टी वी में बचा ही क्या है जो मांग हो वही सास बहुएँ और वही सारे लफड़े टी वी जो है सबसे पहली बात ये बिल्कुल सही बात पकड़ी है एकता कपूर ने यह बेसिकली वूमेंस का एक माध्यम है ट्वेंटी फोर आवर्स बाय सेवन कि सास ने बहू के उधर जहर मिला दिया बहू ने सास को मारने की कोशिश की समदन और ये तो ये जो रोज़ प्रकार के जो सब्जियाँ पक रही हैं ये टीवी का ये ट्वेंटी फोर आवर्स बाय सेवन जॉनर है तो तो यू नो ये ये वो चलता है और वो ग्रोथ उतनी ही रहती है बेसिकली नहीं आपको कहीं ये नहीं लगता कि भाई जो ऑडियंस है ये ऑडियंस तो टीवी से जुड़ी रही कौन सी ऑडियंस देखिए लेडीज ऑडियंस जुड़ी रहेगी जो काम करने वाले लोग तो नहीं है, कम हो अभी दस की जो फिल्म होती है वो डेढ़ घंटे के बराबर हो जाती है क्योंकि लोग चलते चलते आप ओ टी पे देखते हैं मोबाइल पे हर चीज इन फ्यूचर मोबाइल पे आएगी मैं इसलिए शाहरुख खान को बहुत मानता हूं क्यों क्योंकि उस आदमी ने बहुत साल पहले प्रिडिक किया था और बात सही है कि मुझे आने वाले वक्त में सोशल मीडिया में आकर अपने आप को री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जैसे आ, यूट्यूब हो ये हो यूट्यूबर्स कितने स्टार बन गए आजकल सारी चीज़ें सुविधाएं जो हैं वो बहुत आसान हो गई हैं लोगों के लिए आजकल हर आदमी जो है वो अपनी इमेजिनेशन बेच सकता है अपना कंटेंट बनाकर वीडियो कैमरा पे फिल्म बन सकती है आपके जो है मोबाइल मोबाइल पर मोबाइल के जरिए ही ये आप, सर अपने आप को बे फिल्म इंडस्ट्री चार चीज़ों में बढ़ चुकी है एक बहुत बड़ी फिल्म है जो बहुत सुपरस्टार्स वाले हैं जैसे पठान मठान ये खान साहब हूँ सलमान साहब अक्षय साहब ये वाले लार्जर देन लाइफ फिल्में बनेंगी बहुत बड़ी जो आप समझ लीजिए गोल्डन जुगली ये फ्राइडे टू फ्राइडे इतनी रिकवरी होगी उसके बाद में उनसे थोड़ा छोटा जो आएगा उसका जो लिया है वो है वेब फिल्में ओ टी टी जहाँ पर आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस वाइज ये सारी चीज़ें उसके बाद शॉर्ट फिल्में टी वी सीरियल्स उसके बाद टी वी सीरील्स रोज़ घर आने के ऑडियंस और वहाँ के सुपर स्टार्स और फिर उसके बाद में एक्स वाई जेड आप पा दीजिए शॉर्ट फिल्में ले लो या वो जो, जो ये ये तीन चार चीज़ों में ये सिनेमा आज के दौर में एंड तक अब बढ़ गया है अब पता नहीं और क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी और फिल्म मेकिंग का जो ड्यूरेशन है दो ढाई घंटे वो अभी कम होता जा रहा है नहीं आप क्या वजह मानते हैं क्या जो नई टेक्निक आई है या सोशल मीडिया आया है इससे इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है नहीं नहीं इससे इससे लोगों की तो आंखें खुली हैं कि इंडस्ट्री है क्या वरना लोग समझते थे कि इंडस्ट्री हमारी भांडों की गंदे लोगों की ये है हमारे घर की लड़कियां काम नहीं करनी चाहिए यहाँ गंदे लोग हैं ये हैं अब जब आम खुली सबकी तो पता चला भैया ये आर्ट बेस नहीं कितना कितनी बड़ा समुद्र है ये इसमें हर प्रकार के डिपार्टमेंट है तो इसलिए आज आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से लड़कियाँ पढ़ पढ़ के कोर्सेज कर करके मेरी बेटी भी अब मास में अब मास मीडिया का कोर्स कर रही है वो भी इस लाइन में आना चाहती हैं एवरी बॉडी टू डू सम नहीं लेकिन देखिए एक बात है अश्विन जी जिस तरह अश्विन जी अश्विन कौशल जी एक नाम हो गया अभी जो आर्टिस्ट आएगा उसको मनवाने ही काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि देखिए वेब सीरीज़ भी सीजन वाइज होता है एक सीज़न में एक स्टार होता है दूसरे सीजन में दूसरा स्टार है ऐसे में अपने आप का जो नाम है या फिर एक जो लेवल है वो कहाँ तक टिक पाएगा उस आर्टिस्ट का वो कहाँ नहीं जा सकता जैसे उस दौर में एक फिल्म बनती थी आपने कच्ची भूमिका निभाई अड़सठ से आप स्टार नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं उस टाइम पे इसलिए सौ फिल्में की और आज तक पहचान नहीं बनी आज जवान में मैंने एक छोटा रोल क्या कर दिया मैं मेरी सारी बातें ऐसे हो रही हैं जैसे मैं शाहरुख खान हूँ पिक्चर का आज कल आज के दौर में आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि सोशल मीडिया इंसान को बना देता है एक वेब सीरीज से इसलिए स्टार बने हैं ये लोग हर चीज़ लॉन्ग टर्म पे नहीं होगी शॉर्ट टर्म पे होगी वेब सीरीज से भी स्टार बनेंगे वेब सेकेंड सीजन चल गया वो तो वो भी स्टार बन जाएंगे उसके बाद में वो कोई दूसरे प्रोजेक्ट में डिसॉल्व हो जाएंगे फिर कहीं स्टार बन जाएंगे तो आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से इनको तो एक बहुत ही लॉन्गविटी मिल गई है दे हैव अ रेंज हमारे टाइम पे तो सर पता ही नहीं था नहीं हाँ, कहीं कहीं देखिए आप अश्विन जी नुकसान भी हुआ है आप उस तरह की फिल्में लगातार नहीं बन पा रही क्योंकि लोग वेब सीरीज देखना चाहते हैं आप थिएटर को कितने लोग जा रहे हैं अभी सिंगल नहीं, स्क्रीन नहीं देखिए देखिए सिंगल स्क्रीन कम से कम खत्म हो गए वो कोविड की वजह से था कोविड के बाद नहीं बता रहा हूँ आपको तो खास तौर पे लोग फिल्म देखने के लिए जाते थे वीकेंड में जाते थे अभी आजकल पिक्चर महंगा भी हो गया है थिएटर आप जाएंगे तो एक आदमी का कम से कम थाउजेंड रुपीज तो खर्चा आराम से आराम से तो उस लिहाज से पहले के दौर में जो है सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे और हज़ार की कैपेसिटी होती या थाउजेंड या जो भी है आप क्या मानते हैं देखिए वक्त के साथ हम सबको बदलना ही पड़ता है सर है। सही है और, और क्या है कि कोई नुकसान की और हर चीज़ का एक नुकसान हमारा टाइम पे भी वो नुकसान ही तो था क्योंकि हमने इतना काम किया और लोगों ने सौ फिल्म में से एक पिक्चर से पहचाना तो वो मेरे हमारे लिए भी क्योंकि हम हमारे तो हर फिल्म पे उम्मीद होती थी नहीं आर्टिस्ट तो हर फिल्म पे उम्मीद लगा रहता है लगा है ना तो लेकिन देखिए कहीं कहीं एक ऐसा रोल होता है जिससे वो बहुत जल्दी स्टार बन जाता है क्लिक हो जाता है वो रोल लिखे कितने है। जाते हैं हाँ मैं वापस भी कह रहा हूं ना आपसे आप घूम घूमा के वही बात कर रहे हैं कॉन्टेंट इज द किंग कहा गबर सिंह फिर लिखा गया कहा शाहकाल फिर लिखा गया कहां मोगैम्बो फिर लिखा गया कहां शकुनी मामा फिर लिखा गया कहां भीष्म पितामा फिर लिखा गया कहां महाभारत फिर बनी वैसी वाली कहां रामायण फिर बना कहां राम फिर अरुण गोविल कहां साई बाबा जय संतोषी मां फिर बनी सर कंटेंट की बात होती है आज की तौर आज की दौर में जो पिक्चर लार्जर देन लाइफ है और उसमें एक सुपरस्टार हो हमारी यंग जनरेशन के लिए वो बहुत बड़ी बात है उनके पास पेशेंस नहीं है सर आज की जनरेशन जो है उनके पास पेशेंस नहीं है वाइस क्राइंग। बोरिंग यार बहुत रुराती है रोना धोना है बहुत पिक्चर में अरे उस पिक्चर में वो वो बहुत अच्छा है जो यूथ जिसमें सेंस ना हो यूथ को जो है ना उनको अपने तरीके से फिल्म अच्छी लगती है ज्यादा इमोशन ज्यादा ज्ञान देना ये देना ये सब पसंद नहीं आ रहा है। वो तो वो उठ के चले जाएंगे मतलब पापा आप एटीज के जो बात बोलनी है वो एक सेकंड में बोल के चले जाइए एक सेकंड में जैसे सोना कमियर कहती यस पापा देखो तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं कहते क्या तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि ये मुझे डिवोर्स कर देंगे और मुझे छोड़ के चले जाएंगे अब बीस साल की लड़की सोलह साल की लड़की है तो लड़की क्या जवाब देगी लड़की यह बोलेगी कि यह तो अच्छी बात है पापा को अपनी लाइफ जीने दो रहा 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 जीने और मैं अपनी उनकी खुशी में मेरी खुशी और हमारी खुशी होनी चाहिए इसमें रोना क्या है बी प्रैक्टिकल यार डोंट वेस्ट माइ टाइम मैं मोबाइल पे बात कर रही हूं यह आंसर है तो बोलते हैं थिंकिंग थिंकिंग पहले पहले तो औरत हस्बैंड के, के लिए करते करते मर जाती थी वो घासलेट भी डाल दिया उसको जला भी दिया नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी आपके दर से हाँ, कभी नहीं जाऊंगी तलाक 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 हाँ <laughs> ऐसे ड्रामे भी किए हमने तलाक 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 अब हलाला करना पड़ेगा देखिए अगला एपिसोड क्या नाजनीन सिराज के पास फिर गई या नहीं देखिएगा अगला एपिसोड नहीं जाऊंगी आपका दर छोड़कर प्री डिस्कशन होती है और तो ये हमारे टाइम की है सही है अरे वो नाज़रीन के साथ वो उनके शौहर थे ना सिराज हाँ। उन्होंने बहुत बुरा किया हाँ वो तो है ही ऐसा आज आज पता नहीं हलाला होगा या नहीं तो ये ये होता है बीते दौर की बीती बातें ये <laughs> ये दौर <laughs> शिट ब्लडी हेल चेंज वाओ इंटरेस्टिंग हे तेरा मोबाइल नंबर क्या है बता और हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं इज्जत से जिएंगे इज्जत से मरेंगे और कैमरा नीचे आया दोनों ने हाफ चड्डी पहनी हुई और आधे कपड़े पहने और डांस कर रहे हैं इज्जत से जिएंगे इज्जत से मरेंगे वाओ व्हाट एन आंसर और गाना बज रहा है इज्जत से जिएंगे इज्जत से मरेंगे और दोनों ने हाफ चड्डी पहनी क्या इज्जत है साहब क्या इज्जत जवाब नहीं है आ, <laughs> चल जाती चार। चार। आ, <laughs> क्या है है कि नहीं दौर बदल गया बातें बदल गई आप अब अब आप सही बात कर रहे हैं <laughs> अरे नहीं मैं तो पहले से सही था देखिए आपसे जानना चाह रहा था कुछ नहीं देखिए मैं दौर, ये मैं दौर के साथ आप भी चलिए आप उसी तरह के रोल चूज कीजिए जो लोग मैं शुक्र गुजार हूं कि मुझे अब इस उम्र में रेप का कोई रोल नहीं अब तो खैर दम भी नहीं रहा <laughs> अब मैं कॉमेडियन बन गया हूँ बहुत अच्छी कॉमेडी करता हूँ मेरे अंदर का मेन एक्टर मैंने खोज लिया दो हजार चौदह बिल्कुल दो हजार चौदह की बात ही हम करेंगे पीके में जो आपने पीके से भी पहले गोल्डी आउजा मेट्रिक पास हाँ। डिजनी पे एक बहुत बड़ा शो आया था जिसमें मैं, मैं मेन हीरो था मुझे पता चला था कि मेरे अंदर एक सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट छुपा हुआ है वो है कॉमेडी और मेरी फोटो तो वो है कॉमेडी तो वो शो इतना ब्रिलियंट चला था अभी भी यूट्यूब पे मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास यूट्यूब पे टाइप करके आप देखिए फर्स्ट एपिसोड से पूरा सीजन और फिर उसके बाद में जो मैंने कॉमेडी का दौर शुरू किया आज तक लोगों को हंसाता हूँ और और मैं टेलीविजन का स्टैंडर्ड मतलब स्टैम्प्ड किया हुआ थप्पा लगाया हुआ मामा हूँ हर शो में मैं मामा हूँ और विलन मामा कॉमिक uh, एक में लॉलीपॉप मामा था इसमें कैलाश मामा अब अगला शो भी कर रहा हूँ वो भी मामा पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री मुझे मामा जी के नाम से जानती है और मैं सारे प्यारे भांजों को आशीर्वाद हमेशा देता रहता हूँ मामा हाँ मामा भांजे लगे रहे मामा हाँ हाँ मामा तो आ, मामा. <laughs> अच्छा मामा जब आपने जिक्र किया आ, पीके का पीके में आपने आमिर खान साहब के साथ काम किया फिर अब जवान में आपने काम किया तो ये दोनों आर्टिस्टों के साथ जो आप काम करने का जो तजुर्बा रहा उस लिहाज से आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं मैं हाँ भाई मैं दोनों को मैं बहुत पसंद करता हूँ दोनों अलग किस्म के हैं एक ताज होटल है और एक ओबरा है एक और दोनों में अपनी अपनी एक तरीका है काम करने का आमिर ख़ान साहब जो हैं वो दूसरा अपने तरीका है उनका वो आ... अपना एक पैशन है उनका और उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी पीके में तो मैंने एक छोटा सा कट किया था छोटा सा सीक्वेंस था सिर्फ मेजर रोल मेरा होने हुआ था लेकिन वो रोल पूरा कट गया था फिल्म uh, गुलाम में आमिर खान के साथ तो वो पूरा ट्रैक निकल गया था मेरा वो किसी रीज़न की वजह से वो बात हुई थी मैं आमिर साहब को नाइन्टी वन से जानता हूँ और मैं बहुत क्लोज रहा हूँ उनके और वो बहुत ही ज़मीन से लगे हुए इतने प्यारे इंसान हैं दो जन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में नाइन्टी वन से अगर मेरी लाइफ में चार लोगों का प्रभाव हो तो सबसे पहले आमिर खान दूसरे मुझे मेरे गुरु कादर खान साहब मरून जी तीसरे आई मिस मेरे अनदर ग्रेट मैन ऋषि कपूर साहब और मेरे महागुरु मनोज कुमार साहब ये लोगों का ये बहुत जिंदगी में अहम रोल बहुत अहम रोल रहा है और आमिर जी के साथ तो आमिर तो आमिर है फ्रेंड रहा है और क्या मैं बताऊँ और मैं बहुत लकी रहा हूँ ऐसे सारे आर्टिस्टों के साथ काम करना आमिर खान तो छोड़ दीजिए आमिर खान क्या है? आ, एक और एक शेर हैं मिठुन चक्रवर्ती जी बाप। ज़मीन से जुड़े हुए इंसान उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही जो मैं आम लोग से कहूँगा कि इंसान को अपना अतीत और अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए और मैं आज तक उसको लेकर चलता हूँ आई एम बीन वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विथ ऑल दीज ग्रेट लीजेंड एक्टर्स आमिर खान आ, कादर साहब फिर ऋषि जी, ऋषि कपूर हाँ, द ग्रेट नाना पाटेकर, आ, बहुत सारे लोग कितनी गिनती मैं कितने और सबसे कुछ ना कुछ देख देख के उनके साथ काम कर कर के कुछ ना कुछ अमिताभ बच्चन साहब सूर्य वंशम चेहरा ठीक से छुपाना सौंदर्य तेलुगु पिक्चर की जी रही जी रही रही। रही। बहुत प्यारी लड़की थी कोर्ट में केस की सुनवाई थी इसलिए आज नहीं आ पाए कल तक आ जाएंगे हाँ। बाय द वे यह है मेरी बहन राधा नमस्ते करण साहब नमस्ते बहुत सारे फनकार लोग लो, प्राण साहब उनके साथ काम किया मैंने फिर ओह माय गॉड मुझे पता नहीं कितना अच्छा अश्विन जी जब आपने अलग अलग तरह के किरदार निभाए अलग अलग तरह के रोल निभाए तो सबसे खरीब दिल के जो रहा है जो रोल आपने किया जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हासिल हुआ हो उस बारे में बताइए कौन सा ऐसा रोल सिर्फ ज़ी हॉरर शो की राइटिंग जो मैं लिखता था और परफॉर्म मधुमती एक शो आया था मेरा आज भी यूट्यूब पे है जी हॉर शो का फर्स्ट एपिसोड पांच एपिसोड थे वो मैंने लिखा भी था और परफॉर्म भी किया था वो जितने मैंने जी हॉर शो के रोल्स लिखे थे अपने पेन से उनमें मुझे ज़्यादा सेटिसफैक्टी थी और अभी भी खोज है मैं खुद अपना ही कॉन्टेंट बनाना चाहता हूँ और दो चार रोल अपने करवाना करना चाहता हूँ बाकी वैसे तो सेटिस्फेक्शन किसी भी आर्टिस्ट को मिली नहीं मिलती भी नहीं वो चाहते हैं और बेहतर हो और बेहतर हो गबर सिंह जैसा कोई रोल तो मुझे कभी आज तक ऑफ़र नहीं हुआ लेकिन उम्मीद है कि शायद कुछ मेरे मरूम होने से पहले कुछ तो रोल मुझे आ, होगा जो मेरी शख्सियत बन जाएगा मेरे साथ जाएगा मैं आप तक उम्मीद कर रहा ना। लेकिन अश्विन साहब कहीं कहीं आपको लगता नहीं कि भाई मुझे कोई ऐसा रोल मिला ना हो और मिलना चाहिए जिसकी आपको उम्मीद थी उम्मीद तो हमेशा रहती है भाई मैं अभी तक सेटिसफाई नहीं हुआ हूँ कोई भी रोल से क्या है कि वो जो नाइन्टीज का पैटर्न दौर था आप स्टैम की बात कर रहे थे रेप का और उसका वही होते थे विलन उसके दो बेटे वही माहौल वही एक्शन वही सारी चीजें तो वो चीज जो है वो मोनिटोरस होती गई कोई बड़ी बात नहीं निकली रोल तो अब निकल रहे हैं जैसे ऋषि कपूर साहब ने कहा मैं अब मैंने एंड एंड में एक्टिंग करना सीखा हूं पहले तो मैं स्वेटर पहन के लोगों को उल्लू बनाता था <laughs> और गाने डफ करता था परफॉर्मेंस तो अब मैं कर रहा हूं एंड एंड स्टेज पे बात सही है रोल तो अब निकल रहे हैं देखिए रोल आदमी का तब होता है जब आप में एक, एक एक पावर हो ताकत हो और आप वो एड्रेस करवाएं कि मैं ये करूंगा और ये करना चाहता हूं और वो पावर कहां से आती है वो पावर आती है पैसे से पैसा आपका बैकग्राउंड बनता है आपकी प्रोडक्शन खोलता है आप अपना रोल लिखवा सकते हैं आप जो चाहें वो कर सकते हैं जिसकी रोजमर्रा की कमाई होती है बैगस आर नॉट चूजर्स जो दिया वो ले लिया हाँ अगर उसमें से आप तराश गए गबर सिंह निकल गया तो अल्लाह का अल्लाह की देन है शुक्र शुक्राना उसका और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ ऐसा नहीं हुआ वो जो चाहते थे उस तरह वो गर... तो रियल लाइफ में शाहरुख खान साहब के साथ भी ऐसा ही होता है इंसान की भूख कभी मरती नहीं द ग्रेट ओशो रजनीश ने कहा है इंसान जो है वो हमेशा भूखा ही रहता है सुबह उठता है और हमेशा सोचता है कि आज मैं क्या शिकार करके लाऊंगा शाम को जब शिकार करके घर लाता है तो बोलता है यार ये नहीं और एक शिकार होता तो और बेहतर होता तो तो भूख मरती ही नहीं ये शुक्राना है मेरा कि जो मेरा दौर निकला और जो जो मैं करता है एक्टिंग कई लोग मुझे सीरियल के से जानते हैं कोई फिल्मों से जानते हैं कोई मिक्स से जानते हैं बस ऊपर आना का शुक्र गुजारों की हाथ पैर चलते रहे। जितने साल मैं टिका हूं ना जाने कितने लोग मरूम हो गए सही है इंडस्ट्री भूल गई आज भी बॉम्बे हम जाते हैं तो लोग प्रोडक्शन हाउस हम, हमारा इंतजार मेरा इंतजार कर रहे हैं कोटा इतने कॉम्पिटिशन में मैं कौन हूं मुझसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनको काम क्यों नहीं बस ये है कि चलते जाओ चलते नहीं आपका जो वेट गेन हुआ है उससे भी क्या आ, कुछ नहीं नहीं वेट गेन का हेल्थ इश्यूज़ मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे थायराइड वायराइड हुए तो एक प्रकार का थायराइड ये होता है जो आप वेट लूज होता है और एक, एक थायराइड होता है जो वेट ऑन करता है कोई भी आर्टिस्ट जो है वो हरगिज ये नहीं चाहता कि वो फिट ना हो और आज के तौर तो पे तो फिटनेस लेवल तो नहीं है तो आप आउट हो आउट मैं शुक्र गुजार हूँ कि मैं चल रहा हूँ तो मैंने काफी इलाज किया थारइड का लेकिन वो चीज़ें जो है नहीं हो पाई तो अब वो मेरी पर्सनैलिटी बन गई है अब मैं पतला हो रहा हूँ तो लोग बोलते हैं कि क्या हो गया आप वो क्यों नहीं हो रहे मैं क्या नहीं भैया अब मैं थोड़ा बहुत ठीक कर रहा हूँ और पंजाबी जो है वो दो चीज़ों पर जिंदा रहते हैं एक लेग और दूसरा पैग समझे आप बात को हाँ अच्छा हो गया कहा पतला हूँ बीस पच्चीस वड़ा पाव खा जाऊंगा पतला हूँ क्या पूरी टा, जाऊंगा खा जाऊंगा पी जाऊंगा तो अलग बात है बहरहाल चलिए बड़ी खुशी हो रही है आपने अच्छी अच्छी बातें बताई बहरहाल वक्त का पता ही नहीं चल रहा है तो मैं आप लोगों का शुक्र गुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे सबसे पहले लैमलाइट में अब देखिए फिर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं 2003 हज़ार यहाँ पर आया था 2003 के बाद फिर मैं यहाँ पर आया हूँ दो एड फिल्म शूट करने वापस सोशल मीडिया ने मुझे घेर लिया <laughs> मुझे आप लोगों ने इम्पोर्टेंस दे दी और मेरे ऑडियंस मुझे देखें बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपना प्यार देते रहें और अब मेरा जो लेटेस्ट शो है वो आ रहा है सनफ्लावर सीज़न टू सीज़न वन हो चुका है सीजन टू आ रहा है आप देखें बहुत जल्द और उसके बैक टू तो बैक सेकेंड वेब सीरीज़ आ रही है चमक जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर है तो ये भी आप देखिए जवान तो गई फिल्म और अब आ रही है मेरी जॉन इब्राहिम के साथ पिक्चर तैरान उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है मेरा स्पाई का तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही प्यार आप देते रहें और काश मैं तेलुगु फिल्म कर रू <laughs> चलिए <laughs> चले प्रमोशन हो गया है आ, अश्विन जी का तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलते चलते आखिरी सवाल जो नौजवान एक्टिंग से जुड़ना चाहता है या फिर करियर के तौर पर चुनना चाहता है उन नौजवानों के लिए आपका क्या पैग़ाम <laughs> मेरा कोई पैगाम वैगाम नहीं है मैं कौन होता हूँ किसी की ज़िंदगी पर पैगाम देने वाला मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि हम एक ज़िंदगी जीते हैं और उसको जी भर के जी लो जो मन में आए वो करके दे लो कल को ये ना हो कि मैंने ये काम नहीं किया तो मैं सारी जनरेशन को ये बोलता हूँ आपको लगता है आइए समुंदर में समुंदर किसी के बाप का नहीं है सबका है आइए स्विम कीजिए जो तैर गया वो बन गया जो नहीं तेरा फिर गोता मारी है और अपना ख्याल रखिएगा <laughs> तो बेहद शुक्रिया अश्विन जी आप आए इतना वक्त दिया थैंक यू मच शुक्रिया तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट की भी जाने को इजाजत दें अल्लाह <laughs> ਰੱਬਾ 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 ਰੱਬਾ